पहली साइकोलॉजी, पहली ड्राइव, पहली जिंदगी की जो ड्राइव है और डायरेक्शन है वो ये है कि सब कुछ हासिल करने की उम्मीद लगाई जाए। दूसरी ये है कि कुछ यहां मिल जाए और कुछ वहां मिल जाए। अक्सर मुसलमान इस फिलॉसफी पे है कि अल्लाह कुछ इधर दे दे और कुछ वहां दे दे, और ये बड़ी जबरदस्त है कि अल्लाह मैं कोशिश करूंगा एक चीज हासिल करने की, जितनी मुझे यहां मिल जाए हलाल तरीके से और मेरी मेहनत और तेरी तौफीक के बदले बहुत अच्छा है जो मेरा नसीब है। अल्लाह जहां तक मैं नहीं जा सका, जो रह गया या जो मैंने छोड़ दिया, अल्लाह उसका बदला मुझे आखिरत में देगा। इससे क्या होगा, इससे इंसान दुनिया के अंदर भी परफॉर्म करेगा। लेकिन इसका एक मसला आ सकता है, लोग अपने आप को बहुत नीचे सेटल कर लेते हैं, आगे पुश नहीं करते, कहते हैं बस यहीं तक अल्लाह ताला ने लिखा था, तकदीर में इतना ही होगा। बोलेंगे ये तो आपको कैसे पता कि अल्लाह ने यहां तक लिखा है, और मेहनत करें। जायज तरीके से इंसान मेहनत करे, ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा जगह पर अप्लाई करे, क्लाइंट से पकड़ने की कोशिश करे, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, मेहनत करे, लोगों से ताल्लुकात बनाए, इन्वेस्टमेंट्स करे, कैपिटल जमा करे, ये सारी चीजें शामिल है। लेकिन जहां पर रह जाए वो अल्लाह से ले लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मर्द पे सोना हराम है, जेवर हराम है, रेशम हराम है, तो आखिर में क्या कहा उस हदीस के अंदर, लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया में है, हम आखिरत में ले लेंगे, आखिरत में ले लेंगे, जितना मिल रहा है उतना तो ले लो।